Very morning, 10th class. This is Diti Singh, your English teacher. And today we will start our poem To the Cuckoo written by William Wordsworth. So, in previous videos, you watched all about William Wordsworth, about the writer, about his poetry. Okay, so in this video, we will start the poem To the Cuckoo. It is very simple poem. With 8 stanzas, okay. इसमें 8 stanzas given हैं और इसमें जो rhyme scheme है वो भी बहुत easy है. A B है. इसे heard, word, rejoice, voice, grass, pass, shout, about, okay. So आपने ये पढ़ी भी है, पहले भी मैं इसको cover करा चुकी हूँ. तो इसमें क्या बताया है? Regular simple rhyme scheme समझ में आ गई होगी. 8 stanzas समझ में आ गए होंगे. This is the poem addressed to the cuckoo. But not confirm that it is all about to the cuckoo. Means ये clear नहीं है अगर to the मतलब cuckoo को ही इस address किया है तो ये confirm नहीं है कि ये past की बात की जा रही है present की बात की जा रही है. जैसे कि आप जानते हैं William Wordsworth एक nature poet है, nature को belong करते हैं वो. mostly उनकी जो poems हैं वो सारी nature पे ही, प्रकृति से ही संबंधित हैं. तो इसमें भी हम लोग देखेंगे नेचर से मतलब क्या. नेचर मतलब ऑल सराउंडिंग्स, जो चाहे वो पक्षी हो, ट्रीज हो, छोटी छोटी इंसेक्ट हो, वैली हो, माउंटेन्स हो, क्लाउड्स हो, ऐसी बहुत सारी उन्होंने पोएम्स लिखी हैं. तो आज हम कवर करेंगे 2 स्टैंजास. रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओ ब्लिप न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस. Oh cuckoo, shall I call thee bird or but a wandering voice? In this stanza, he is saying that, oh bleak newcomer, I hear thee and rejoice. Oh cuckoo, shall I call thee bird or but a wandering voice? वो क्या होता है जब इंग्लैंड से पक्षी आते हैं, मतलब कुकूज बाहर जब माइग्रेट करते हैं फिर लौट के जब आते हैं तो वो एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं. उनके संग में न्यू कमर्स मतलब न्यू बॉर्न कुकूज भी आते हैं, नई कुकूज भी आती हैं संग में. तो न्यू कमर उनको ही एड्रेस किया गया है. ब्लिथ मीन्स होता है हैप्पी. ओ हैप्पी न्यू कमर्स मतलब ओ ब्लिथ न्यू कमर, ओ हैप्पी कुकूज, आई हैव हर्ड, मैंने तुमको सुना. क्योंकि ये वैली में, इंग्लैंड में जब ये घूम रहे थे, इन्होंने बताया कि ये वैली में जब घूम रहे थे तो इन्होंने क्या सुना, एक आवाज़ को. I hear thee and rejoice. मैंने उस आवाज को सुना और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया. Oh cuckoo, shall I call thee bird? Cuckoo, जो मैं आवाज सुन रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें मतलब मुझे कहना चाहिए या मैं कहूँगा तुम्हें एक word कहूँगा, और but a wandering voice, या फिर एक जो musical voice होती है वो wander कर रही हो, यहाँ वहाँ से सुनाई दे रही है, तो क्या मुझे उसको voice कहना चाहिए? While I am laying on the grass, I hear thy restless shout. From hill to hill it seems to pass, about and all about. जबकि मैं ग्रास पर लेटा हुआ था, मैंने सुना तुम्हारी रेस्टलेस वॉइस को, तुम्हारी बिना आराम वाली आवाज को. From hill to hill it seems to pass, about and all about. मतलब यहाँ पे दो आवाजें, मतलब ऐसा लगता है हिल टू हिल जा रही हूँ और अचानक से वो वहां से पास हो रही है और मेरे पास भी आ रही है. मतलब एक दूर की आवाज भी सुनाई देती है वैली में और एक पास की भी. तो इन दोनों स्टैंजास में राइटर क्या कहना चाह रहा है कि कुकू के बारे में बता रहे हैं, एड्रेस किया कुकू को कि कुकू आप बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित हो और मैंने तुमको सुना है और आपकी आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा आनंदित, प्रफुल्लित और खुश हूँ. मैं तुम्हें एक वर्ड कहूँ या एक वॉन्डरिंग वॉइस कहूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ. जब मैं ग्रास पर लेटा हुआ था, मैंने तुम्हारी रेस्टलेस वॉइस को सुना जो कि हिल टू हिल भी जा रही है, वहाँ से पास होते हुए मेरे नज़दीक भी आ रही है. मतलब दूर से दूर भी आपकी आवाज़ आ रही है और पास से पास में भी आ रही है. तो अबाउट एंड ऑल अबाउट, मैं मतलब तुम्हारी हर जगह ही ये आवाज़ सुनाई दे रही है. तो आज के लिए इतना ही. राइमिंग स्कीम ध्यान रखिए, रेगुलर सिंपल राइमिंग स्कीम है. मतलब इसकी ए बी 8 स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. दूसरी बात, इसमें 8 स्टैंडर्ड है. ये पूरा स्पेसिफाइड नहीं हुआ है कि ये
टू द कुकू प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अगर कुछ समझ में नहीं है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट दो स्टैंडर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बी हैप्पी। थैंक यू।